दो वीडियो में हम लोगों ने, तीन वीडियो में 12 प्रिंसिपल के बारे में पढ़ा, और इस वीडियो में हम लोग बाकी के दो बचे हिंदी फिल्म के प्रिंसिपल को पढ़ेंगे। थर्टींथ नंबर जो प्रिंसिपल है, दिस इज द इनिशिएटिव। इनिशिएटिव मीन्स कुछ नया सोचना, नया करना, सेल्फ मोटिवेशन से। तो हेनरी फ्यूल का कहना था कि एम्प्लॉइज को, वर्कर को भी इंकरेज किया जाना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में, ताकि वो कुछ ऑर्गेनाइजेशन के बेहतरी के लिए कुछ नया सोच सकें, कुछ नया कर सकें। हमेशा मैनेजमेंट को ही अपना प्रभाव नहीं डालना चाहिए, बल्कि कुछ अगर कोई एम्प्लॉय सजेशन देता है तो मैनेजमेंट को उसको सुनना चाहिए। इससे उनको सेटिस्फेक्शन भी मिलता है, और अगर कुछ अच्छा सजेशन वो देते हैं तो उनको रिवार्ड दिया जाना चाहिए, और इससे उनका ऑर्गेनाइजेशन के प्रति जो लगाव है वो बढ़ता है, और वो कोशिश करते हैं कि हम बेहतर से बेहतर और ज़्यादा एफर्ट लगाएं। उनके अंदर कमिटमेंट बढ़ता है ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेस्ट पॉसिबल एफर्ट लगा सकें। थर्टीन प्रिंसिपल विच इंडिकेट्स द टेकिंग फर्स्ट स्टेप विद सेल्फ मोटिवेशन। According to Fayol, employees must be given an opportunity to take initiatives from time to time. This helps them to provide immense satisfaction and develops their belongingness towards the organization. The last and 14th principle of Henry Fayol is Esprit de Corps. Esprit de Corps प्रिंसिपल मेनली टीम स्पिरिट को डेवलप करने के लिए तैयार किया गया, यानी इसमें यह कहा गया कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो टीम से ही बनता है, और जब तक टीम एफर्ट ना लगेगा आप अपने गोल को अचीव नहीं कर सकते हैं। और टीम एफर्ट लगाने के लिए, टीम का बेस्ट एफर्ट यूज करने के लिए मैनेजर को टीम स्पिरिट को डेवलप करने के लिए अपने हर एक कन्वर्सेशन में आई की जगह वी का इस्तेमाल करना होगा। यानी कोई भी अगर टारगेट अचीव होता है तो मैनेजर को उसका श्रेय खुद नहीं लेना चाहिए, सुपीरियर को उसका श्रेय खुद नहीं लेना चाहिए, बल्कि और ना ही किसी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल को दिया जाना चाहिए, बल्कि सारा का सारा जो श्रेय है वो श्रेय पूरे टीम को दिया जाना चाहिए। अगर कोई दो एम्प्लॉई इसमें बीमार भी पड़ जाता है तो बाकी आठ को ही नहीं, बल्कि 10 में से 2 अगर बीमार पड़ गया है और 8 में को उसको पूरा किया है, तो भी मैनेजर को कोशिश करना चाहिए कि वो उसमें 10 को शामिल करे, उनके एफर्ट को शामिल करे, उससे उनके अंदर बिलोंगिंगनेस की भावना बढ़ती है, टीम स्पिरिट डेवलप होता है, और अपना बेस्ट पॉसिबल एफर्ट ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट के लिए वो लगाता है। इस तरह से हम लोग 4 हिस्सों में करके मैनेजमेंट हेनरी फ्यूल, जिनको फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट कहा जाता है, उनके 14 प्रिंसिपल को हमने स्टडी किया। आगे जो वीडियोस होंगे उसमें हम लोग फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट F.W. टेलर, फ्रेडरिक विंसलो टेलर के बारे में पढ़ेंगे, उनके प्रिंसिपल्स और टेक्निक्स के बारे में पढ़ेंगे। इसमें थैंक यू।